सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति शांति। चलिए, कृष्ण यजुर्वेदी है, कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली, इसका हम लोग 21 मंत्र तक का विचार कर लिए थे, 22वें मंत्र का उच्चारण कल कर लिए थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा था, 21वें मंत्र में आया कि जब तक कामनाओं का परित्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा जो है, जो प्राकृत पुरुष है, विषयी पुरुष है, उनके लिए अत्यंत दुर्भिज्ञ है। हाँ, कामनाओं का त्याग नहीं करने की वजह से वो नहीं जान पाते। इसमें युक्ति दिए, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तंग मदा मदंग देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आत्मा जो एक जगह अवस्थित होकर के ही दूर चले जाता है। कैसे दूर चले गया? मन उपाधि को लेकर के। मन उपाधि का गमन हुआ, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है आत्मा का दूर गमन हो गया। और शयानो याति सर्वतः, जब सुसुप्ति अवस्था में हम रहते हैं तो परिच्छिन्न विज्ञान हट जाने की वजह से ऐसा लग रहा है व्यापक हो गया। तैसा जो कभी वही आत्मा हर्ष से विशेष दिख रहा है, कहीं हर्ष अहर्ष हर्ष से रहित दिख रहा है, कोई सुखी है कोई दुखी है अंतःकरण वृत्ति को लेकर के, तो वो आत्मा उसके साथ तादात्म्य करके दुखी मालूम पड़ रहा है, कहीं सुखी मालूम पड़ रहा है। तैसा जो विरुद्ध धर्मों वाला वह आत्मरूपी जो देव है, उसको मुझके अतिरिक्त कौन जान सकता है? यानी साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, ये बताया। और अब आगे तद विज्ञानाच शोकात्यय इत्यपि दर्शयत। उस आत्मा के विज्ञान से शोक का अतिक्रमण हो जाता है, शोक से रहित हो जाते। इसी बात को 22वें मंत्र में आया, अशरीरम शरीरेषु नव अनवस्थे स्वस्थितम महांतंग विभुमात्मान मत्वा धीरो न सोचती शरीरेशु अशरीरम। देखिए, एक दो प्रकार का स्वरूप व्यक्ति का मालूम पड़ रहा है, एक तो बदलने वाला स्वरूप है और एक है स्थाई स्वरूप। जैसे सुवर्ण आदि का विकार है, वहां भी दो स्वरूप दिखेगा। सुवर्ण में जो आकृति है, आभूषण रूप बना दिए, वो तो बनने बिगड़ने वाला है, लेकिन जो आधारभूत सुवर्ण तत्व है वह तो जस का तस रहता है, जैसे का तैसे ही रहता है। ऐसे हम लोगों का जो एक चलायमान स्वरूप क्या है, शरीर आदि ये बदलने वाले स्वरूप है। और हम लोगों का जो एक स्थिर स्थाई स्वरूप क्या है, जो आत्मा, क्योंकि बाल्यावस्था में भी वही हम लोग कहते हैं ना, बाल्यावस्था में भी मैं ही था, युवावस्था में भी मैं ही था, वृद्धावस्था में भी मैं ही हूँ। फिर भाई, जब आप ही हो तो इतना बदलाव कैसे आ गया? तो कहेंगे कि नहीं, मेरा शरीर बदल गया। तो शरीर में तादात्म्य होने से और उसको कहेगा मैं गया, मैं आया। ते बदलने वाला स्वरूप हो गया ये जो शरीर आदि, जो अनित्य पदार्थ। और नहीं बदलने वाला स्वरूप है हम लोगों का जो वास्तविक स्वरूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, एक रस रहता है।
बस उसी बात को यहाँ श्रुति इंगित कर रही है कि शरीरेषु अशरीरम, सभी शरीरों में जो अशरीर तत्व है, शरीर भाव से जो परे है, और अनवस्थे स्वस्थितम, जो अनित्य अनवस्थ पदार्थ है, अनवस्थित पदार्थ है, उसमें जो अवस्थित नित्य है, अनित्य पदार्थों में वही जो नित्य है, एक ही तत्व है जो नित्य है, ऐसा जो महान व्यापक है, विभू है। विभू विशेषण क्यों दे दिए? कल बताया था कि महान भी दूसरे के आगे छोटा पड़ जाता है। हाथी भी जो है बड़े वृक्ष के आगे छोटा हो गया। बड़े बड़े हाथी है, हाथी भी वृक्ष के आगे छोटा। एक हमारे यहाँ ऋषिकेश में जंगल में, अभी तो महात्मा का शरीर पूरा हो गया, वो जंगल में एक वृक्ष के ऊपर वो कुटिया बना के रहते थे। तो हाथी आते थे, हाथी जो है बाहर से नीचे आकर के वृक्ष को हिलाते थे, लेकिन वो ऊपर है। तो इसी तरह से, तो मतलब वो हाथी बड़ा है लेकिन वृक्ष उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा पर्वत है, पर्वत से भी बड़ा समुद्र है, समुद्र से बड़ा जो है पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा जो है वायुमंडल है, उससे भी विशाल आकाश हो गया। ये सब एक से बढ़ के एक है, इसलिए इन पदार्थों में जो महत्व है, विशालता है, सापेक्ष है, सातिशय है, लेकिन आत्मा की जो विशालता है वो निरतिशय है। इसके लिए, इसको दिखाने के लिए विभूम ऐसा दे दी, वह विभू व्यापक है, और व्यापक है लेकिन हमसे अलग हो, बोले नहीं, आत्मानम, वही हमारी आत्मा है, हमसे अभिन्न है। आकाश आदि तो अनात्मा है, आकाश आदि नहीं समझना, वो तो व्यापक तो आकाश आदि लोग मानते हैं, लेकिन वो अनात्मा है, लेकिन हमारी आत्मा ही है। तो ऐसा उस आत्मा को मत्वा जान करके, अनुभव करके, धीर धीर पुरुष, विवेकी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष न सोचती, सभी शोक का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसी जो आत्मा, उसको जान करके धीर पुरुष शोक का परित्याग, मतलब शोक हट गया पूरी तरह से। वही जो है, तो जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में बहुत दुखी हो रहा था और जागने पे मुस्कुराते हुए बोले, अरे हम हंसे ही कहाँ थे, ये तो लग रहा था उस समय मैं फंस गया हूँ, हम फंसे ही कब थे जो आप परेशान होंगे। ऐसे ही जब ज्ञानी को, ज्ञानी भी हंसते हैं, देखो कुछ था नहीं तो भी जो है इतना मान के परेशान हो रहे थे, इसलिए इस तरह से। तो ये जो है शोक का परित्याग हो गया, जो आरोपित शोक था वो हट गया। भाष्य में देखिए, अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा, जो शरीर रूप नहीं है, अपने स्वाभाविक रूप से आकाश के समान जो आत्मा है, तम शरीरम, ऐसा जो अशरीर रूपी व्यापक आत्मा, शरीरेश, सभी शरीरों में वह अशरीर रूप है, शरीर भाव से परे है, क्योंकि शरीर तो बदलने वाला है, शरीर न जाने कितना शरीर मिला है, अनंत शरीर जो है उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकता, कितने शरीर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो अशरीर। कहाँ पे? शरीरों में, सभी शरीरों में अशरीर भाव है। कौन कौन से शरीर है? देव, पितृ, मनुष्य आदि शरीरेश, ये सब मुख्य मुख्य गिना दिए, थोड़ा व्यक्ति के दिमाग में आ जाए। तो इन सभी शरीरों में जो अशरीर रूप है, व्यापक है, और अनवस्थेसु अवस्थितम, अनवस्थित मतलब जो अनित्य है, बदलने वाले, अवस्थित यानी जो एक रस है उसे कहेंगे अवस्थित, और जो बदल रहा है उसे कहेंगे अनवस्थित। अनवस्थेसु यानी अवस्थिति रहितेसु, स्थिरता से जो रहित है, ऐसे अनित्य, उस अनित्य शरीरों में जो अवस्थित पदार्थ है, अवस्थितम है, नित्य है, एक रस है, अवस्थितम यानी नित्यम, अविकृतम इत्येतत्, उसका तात्पर्य क्या हो गया? अविकृतम, जो विकारी नहीं है, ऐसा जो महानतम, महान है, विशाल व्यापक। बोले महान भी तो दूसरे के सामने छोटा हो जाता है, बोले नहीं, महत्वस्य आपेक्षिकत्व संकाया, आत्मा में जो महत्व है कोई सापेक्ष नहीं, आपेक्षिक नहीं, किसके इससे बड़ा है, उससे छोटा है,
है ना, आपेक्षिकत्व की आशंका होने पे कह दिए कि विभू नहीं व्यापक है, ये सापेक्ष महत्व नहीं है, निरपेक्ष महत्व है। विभूम यानी व्यापी न आत्मान, व्यापी है और हमारा ही स्वरूप है। बोले आत्मा पद देने की आवश्यकता है, बोले आत्म शब्द आत्मग्रहणम स्वतो अनन्यत्व प्रदर्शनार्थ, आत्म शब्द का ग्रहण जो श्रुति में आया वह मुझसे अभिन्न है, मुझसे अलग नहीं है, इसको दिखाने के लिए, कोई हमसे अलग नहीं है। क्योंकि ऐसा कैसे कह सकते हैं, कारण यह है कि आत्म शब्द जो है, आत्म शब्द प्रत्येगात्म विषय, आत्म शब्द जो है प्रत्येगात्म विषयक है, प्रत्येगात्मा जो सर्वांतर सभी शरीरों में है उसको विषय करता है। इसीलिए लोग आज भी, कोई कुछ नहीं पढ़ा लिखा है तो भी ऐसे लोग बोलते, देखो अरे उसको जीव को मत सताओ, सब आत्मा है, सब आत्मा है, किसी को किसी प्राणी को पीड़ा मत दो, सब आत्मा है। तो आत्म शब्द जो है ये जो है कुछ नहीं, अंगूठा छाप लोग भी ऐसी इस तरह से बोलते हैं, तो उनको पता है कि भाई आत्मा है। तो आत्म शब्द प्रत्येगात्मा को विषय करता है, तो प्रत्येगात्म विषय वो मुख्य मुख्यस, प्रत्येगात्म विषय में ही आत्म शब्द मुख्य है। देखो तीन नंबर टिप्पणी में दे दिए, मुख्य मतलब तथा वो लोक शास्त्र रूढ़त्वात्, लोक में भी प्रत्येगात्मा में ही आत्म शब्द रूढ़ है, प्रसिद्ध है, रूढ़ यानी प्रसिद्ध, और शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, लोक और शास्त्र दोनों जगह आत्म शब्द प्रत्येगात्मा में ही प्रसिद्ध है, रूढ़ है, तो मुख्य वही मुख्य है। तम ईदृशम आत्मानम मत्वा, उस इस आत्मा को जान करके, कैसे जानेगा, देखो पिछले मंत्र में भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे अयम अहमिति, वही मैं हूँ, यह मैं हूँ, यही मैं हुआ, परोक्ष रूप से जान करके, बीसवें मंत्र में भी ये भाषा में दिखाए थे, कैसे जाने अयम अहम अस्मि, यही मैं हूँ, जैसे एकदम प्रत्यक्ष हाथ में आंवला रखा हो, संशय विपर्य नहीं होता है, इसी प्रकार संशय विपर्य से रहित तो वही व्यापक तत्वमय, इस तरह से जिसने जान लिया, तो जान करके वो इति धीरो, इस तरह से जान करके मत्वा, जान करके जो धीर पुरुष है, धीमान बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष, न सोचती, शोक नहीं करता, सभी शोकों का परित्याग हो जाता है। बोले ऐसा कैसे है, बोले नहीं एवं विदस्य आत्मविद शोकोपपत्ति, इस प्रकार से जानने वाले आत्मविद्ता में शोक कभी हो सकता है क्या, ये बताओ। रस्सी में सर्प जान करके भाग रहा था, रस्सी को रस्सी जान करके भागेगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से, तो इस प्रकार के व्यापक रूप को जो है सच्चिदानंद रूप आत्मा को जान करके शोक हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। देखो कभी भी आपको कोई दुख हो तो आप जो है यही सोच विचार करिए कि मैं तो आत्म रूप हूँ, आपका दुख जो है कपूर कर्पूर की तरह उड़ जाएगा तुरंत, मैं तो आत्म रूप हूँ, मुझमें कहाँ से शोक है, सच्चिदानंद रूप हूँ, मुझमें शोक हो ही नहीं सकता। इस तरह से इस प्रकार के आत्मवेत्ता को कभी शोक हो ही नहीं सकता, तो ये बता दिए। यद्यपि दुर्विज्ञेयो यम आत्मा, आत्मा दुर्विज्ञेय तो है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि इतना आसानी से जान लेंगे, तो भी तथापि उपाय न सुविज्ञेय, वह उपाय करने से वह सुविज्ञेय हो जाता है, है ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ऐसा भी आया है, अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उसका विचार करेंगे, उतना ही आत्मा के विषय में स्पष्टता आपको मालूम पड़ेगी, उतना अधिक जो है ये जो रहस्य है हमारे दर्शन में, बारंबार आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य आवृत्ति रस अकृत उपदेशा, बारंबार आवृत्ति करनी चाहिए श्रवण मनन की। इस बात को अन्य दर्शन वाले, अन्य मतलब धर्म वाले नहीं समझ पाते,
दूसरे लोग कहते हैं, अरे भाई रोज रोज गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है तुम्हें, एक बार पढ़ लिए हो गए। लेकिन जो प्रतिदिन पढ़ने वाला वो जानता है कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी गहराई से अर्थ मालूम पड़ता है। पूरा जीवन गीता पढ़ने वाला भी बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया मतलब गहराई अर्थ गहरा और गहराई से अर्थ मालूम पड़ता है। तो जितना अधिक विचार करने से स्पष्टता होती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अधिक अभ्यास से जो है वही सुविज्ञ हो जाता है, आसानी से जानने जाना जा सकता है। इसलिए यद्यपि दुर्विज्ञेयम् आत्मा, यह आत्मा दुर्विज्ञ है तथापि उपाय न सुविज्ञेय एव, फिर भी उपाय करने से सुविज्ञ है। ऐसा नहीं कि जान ही नहीं पाएंगे। देखिए कहीं भी प्रवृत्ति होने के लिए वो कृति साध्यत्व ज्ञान नैयायिक लोग मानते हैं। चंद्रमा को पकड़ने के लिए आप नहीं उछलते। चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा आपको बहुत सुंदर दिखाई पड़ेगा, बहुत सुंदर दिखता है। उसको हम लोग पकड़ने के लिए उछलते हैं क्या? कभी नहीं उछलते, क्योंकि हमें पता है कि चंद्रमा को हम पकड़ ही नहीं सकते। तो वहाँ की जो हमको पता है कि हम हमारे हमारी कृति साध्य नहीं है, यानी हम प्रयत्न करके यहाँ उछल करके नहीं पकड़ सकते, इसलिए हम उछलते नहीं है। तो कोई छोटा वृक्ष है उसमें फल लगा हुआ है तो उछल करके व्यक्ति तोड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इसको पा सकता हूँ। तो जहाँ पे मालूम है कि यह मेरी कृति साध्य है, मतलब मैं प्रयत्न करके इसको प्राप्त कर सकता हूँ, प्रवृत्ति वही होती है। और जिसमें ये मालूम पड़ गया कि कितना भी प्रयत्न करो ये तो मिलेगा ही नहीं, तब तो प्रवृत्ति होती ही नहीं है। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जान ही नहीं पाऊँ, क्योंकि आत्मा को, इस आत्मा को तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है, अनुभव किया। हमारा ही स्वरूप है, हमसे अलग नहीं है कोई और अज्ञान रूपी आवरण है। देखिए व्यक्ति जाने चाहे न जाने तो भी उसमें बंधन कभी भी वास्तविक होगा नहीं, लेकिन उसके अज्ञान से अनादिकाल से संसरण कर रहा है, सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। क्षणिक सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, तो इस तरह से संसरण ही चलते रहता है। तो यहाँ पे आत्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दुर्विज्ञ तो है, लेकिन उपाय करने से वह जाना जा सकता है, इसको दिखा रहे। तथापि उपाय न सुविज्ञेय एव इत्या, इस बात को दिखा रहे। हाँ जी बोलिए। ये जो शोक हाँ, शोक मतलब दुख, शोक का मतलब दुख लेना, दुख संभव नहीं है। हाँ दुख लीजिए, तीन ताप जो है, कोई ताप संभव नहीं, दुख संभव नहीं। चलिए तो सुविज्ञ एव इसको दिखा रहे 23वें मंत्र में 23वां मंत्र। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। देखो इस मंत्र में विशिष्टता ये है, किसमें गारंटी वाला साधन बताया जा रहा है कि इस चीज से प्राप्त होगा। ये अगर है तो सभी साधना आपकी ठीक चले, और ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो चाहे कितना भी कुछ कर लो, प्रवचन कर लो, पूरा वेद पढ़ लो, पूरा गीता रट लो, उपनिषद रट लो, लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो मुख्य गारंटी वाला साधन जो है वो क्या है, इसमें यहाँ दिखा रहे। तो यहाँ बता रहे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। यह आत्मा जो है प्रवचन से कि वह जो है गीता का व्याख्यान करने लगे, उपनिषद का व्याख्यान करने लगे,
बहुत जो है ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाषण देने लग गए, और आजकल जो कथा करते हैं भागवत आदि, कई इतने जो है कुशल वक्ता होते हैं, वो तो बोलते हैं कि चैलेंज कर लो, मैं बोलने लग जाऊं तो यहाँ पे जो है चीटी की भी आवाज नहीं आ सकती, इतना अच्छा बोलेंगे, संगीत में कथा करेंगे, लोग नाचेंगे झूमेंगे, आपस में बातचीत हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे लेकिन नाचेंगे ये सब करेंगे। तो ये जो प्रवचन कला है, बोले वो प्रवचन कला अगर आत्म जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर नहीं है तो उसका गलत उपयोग हो सक होगा। इसलिए आत्मा, ये प्रवचन भी कोई आत्मा की प्राप्ति का एकांतिक साधन नहीं है। प्रवचन साधन जरूर है लेकिन तभी साधन बनेगा जब व्यक्ति के अंदर आत्म जिज्ञासा है, आत्मा का वरण है, मुझे आत्मा ही चाहिए ऐसा लक्ष्य करके अगर कर रहा है तो साधन बनेगा, नहीं तो प्रवचन भी साधन नहीं बन पाएगा। न मेधया, मेधा यानी बहुत ग्रंथ को धारण करने वाली जो शक्ति है, बहुत ग्रंथ को रट लिया है, बहुत ग्रंथ को धारण का अर्थ के सहित धारण कर लिया, लेकिन उसका उपयोग अगर आत्मा को जानने में न करके कहीं दूसरी जगह लगाया तो आत्मा को नहीं जान सकता। न बहुना श्रुते, न बहुत श्रवण करने से भी, श्रवण कर रहे आधे मन से बैठे हुए, चलो भाई क्या करूं, टाइम पास नहीं होता है, थोड़ा चलो यही बैठ जाता हूं, तो इस तरह का अगर श्रवण कर रहे हैं तो कभी आत्मा का ज्ञान होगा नहीं। इसलिए बहुत सुनने से भी नहीं, जिज्ञासा से सुनिए, जिज्ञासा से श्रवण करेगा तो थोड़े में ही व्यक्ति जो है बहुत कुछ जान लेता है, और जिज्ञासा से नहीं श्रवण करेगा तो सालों साल सुनते रहते हैं लेकिन नहीं जान पाते। ये तो मैं क्या, कई महात्मा लोग भी बताते हैं, हम लोग तो कई जगह जाते हैं ना, जो कभी जाते हैं कहीं कार्यक्रम में गए, वो कार्यक्रम आयोजन कराने वालों को पता नहीं रहता, सुनने वालों को तो मालूम है कि वेदांत में क्या चीज़ बताई जा रही, लेकिन आयोजन करने वालों को बिल्कुल रुचि ही नहीं है, ऐसा भी देखा, कुछ उन्हें वो सब पता नहीं। इस तरह से मतलब बहुत श्रवण से भी लाभ नहीं है, जिज्ञासा से अगर श्रवण है तो वास्तव में लाभ है। इसलिए देखिए मुख्य साधन क्या है, अगर ये अगला वाला साधन है तो बाकी सब साधन ठीक काम करेंगे। यमे वयस वृणते तेन लभ्यस, यह साधक जिस आत्मा का वरण कर लिया, मुझे मेरी आत्मा ही चाहिए दूसरा कुछ नहीं चाहिए, अभेद दर्शन वरण उसी का वरण कर लिया, तब जो है श्रवण प्रवचन मेधा ये सब काम करेंगे ठीक ठीक। जैसे कोई बहुत महंगी कार ले लिए है, रास्ता भी बहुत हाईवे पे चल रहे हो, ड्राइवर भी बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर गाड़ी विपरीत दिशा में ले जा रहा हो तो वह गंतव्य प्राप्ति का साधन नहीं बनता। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी अच्छा हो, हाईवे मार्ग अच्छा हो, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि रास्ता ठीक ठीक दिशा में जाना पड़े। बस यही बात, यहाँ ठीक दिशा एक आत्मा का वरण होना चाहिए, मुझे मेरी आत्मा ही मिले, आत्मा का वरण होगा तभी ये सब साधन बनेंगे। तो यमे वैस वृणते तेन लभ्यस, ये साधक जिस आत्मा का वरण कर लेता है उसी के द्वारा लभ्य है, प्राप्तव्य है। तस्य आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, उस साधक की आत्मा जो स्वरूप है अपने, उसकी आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है, विवृत कर देती है, खोल देती है अपने स्वरूप को, मतलब ये अगर इस तरह का जिज्ञासु है तो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो ही जाएगा, खोल देती मतलब स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आप जो है गले में माला पहने हो और ढूंढ रहे हो बाहर
कहाँ मिलेगा? नहीं मिले। माला गले में बाहर ढूंढो तो कहाँ, कितने दिन में मिले? कभी नहीं मिल सकता। ये जो हमारा ही स्वरूप है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाह्य विषयों को चाहते हैं, आत्मा का वरण नहीं है, तो प्रवचन मेधा और श्रवण काम नहीं करेंगे। और जब जिज्ञासा नहीं, आत्मा ही मिले, मेरा स्वरूप ही मुझे मिले, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तब प्रवचन मेधा और श्रवण ये सब कार्य करने लगते हैं। ठीक, इसलिए मुख्य आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जब जो सबसे बड़ा साधन ये है, आत्म जिज्ञासा हो, और जिज्ञासा से व्यक्ति करे तो सब ठीक, उसका उसकी साधना ठीक चल जाएगी। भाष्य में देखिए, नायम आत्मा प्रवचनेन, प्रवचन मतलब अनेक वेद स्वीकरणेन, अनेक वेद का स्वीकार कर लिया। वेद का स्वीकार अच्छी तरह से किया भाई, प्रवचन में क्या करना रहता है, उसी एक ही जैसे किसी को गहराई से जो है उसका बताना है। प्रवचन कर था आपस में जो विचार करते, चर्चा करते, उसको प्रवचन बोलते हैं। तो ये जो है अनेक वेद का स्वीकार किया, उसके द्वारा ही आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जिज्ञासा नहीं है तो इसलिए यह आत्मा उसके द्वारा न लभ्यो, गेयो न, पहले ही आ गया, न गेयो, नहीं जानने जाना जा सकता। ना भी मेधया, मेधा का मतलब क्या है, ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, बहुत ग्रंथ के अर्थों को, ग्रंथों को अर्थों के साथ धारण कर लेने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति से भी नहीं जाना जा सकता अगर जिज्ञासा नहीं है तो। न बहुना सुतेन केवले, केवल शब्द सुनने से ही, वो तो उसको तो विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कह दिए है, शब्द जालम महारण्यम चित्त विक्षेप कारण। ये शब्द जाल है, बहुत बड़ा जंगल है, चित्त को विक्षिप्त कर देता है। तो ये शब्द जाल, अगर बहुत श्रवण है, जिज्ञासा आत्मा की है ही नहीं, ऐसे ही सुन रहे हैं, तो भी कुछ जो है विशेष लाभ नहीं होगा। देखो टीका में दे दिए, न बहुना सुतेन, आत्म प्रतिपादक उपनिषद विचारातिरिक्त शास्त्र श्रवणेन, यहाँ बहुत श्रवण से मतलब अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है उसका बहुत आप सुनिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आत्म प्रतिपादक उपनिषद के विचार से अतिरिक्त जो शास्त्र का श्रवण करोगे तो वाणी का व्यर्थ परिश्रम ही है, उससे नहीं मिल पाएगा। उपनिषद विचारेण आप ही केवल, और उपनिषद विचार हम करें तो भी केवल जो है सिद्धोपदेश रहते, कोई सिद्ध महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष, उनके उपदेश से रहित, स्वयं पुस्तक उठा लिए, उठा लोगे तो यहाँ पे जो है स्वयं तो नहीं मालूम पड़ पाएगा, स्वयं तो एक मंत्र का भी गहराई से अर्थ नहीं जान सकते। इसलिए सिद्ध के उपदेश से रहित अगर उपनिषद केवल विचार किए, मनन आदि नहीं करे, केवल ऐसे ही ठीक करने लगे तो भी न लगते, अर्थ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कोई महापुरुष सही मार्ग से, सही ढंग से उपदेश करे और व्यक्ति भी जिज्ञासा से लगे और आत्म प्रतिपादक शास्त्र का ही श्रवण करे, तत्पर होकर के श्रवण करे, तब जाके वह जान सकता है। भाष्य में आगे देखिए, केन तरहि लभ्य इति, अरे फिर आखिर मिलेगा कैसे आदमी, यही सब तो साधन है, इनसे नहीं मिलेगा तो आत्मा किससे मिलेगा भाई। ये जो है कह दिए अग्नि से भोजन नहीं पकेगा, ऐसी क्या बात कर रहे भैया, हमने तो ये देखा है, जाना है कि अग्नि से ही भोजन पकेगा, अग्नि से भोजन नहीं पकेगा क्या मतलब? बोले भाई अगर लकड़ी गीली हो तब अग्नि से भोजन नहीं पकेगा, लकड़ी अगर सूखी है तो अग्नि अच्छी तेज होगी तो पकेगा, ये कहना चाहता हूं। इति उच्यते, यमेव स्वम आत्मानमेष साधको वृणुते, तो यह साधक जिस आत्मा को अपने स्वरूप का ही वर्णन कर लेता है, वृणुते प्रार्थयते, प्रार्थना करता है मुझे यही चाहिए, तो तेनैव आत्मना वरित्रा, उस वर्णन करने वाला ही आत्मा के द्वारा
स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इत्येत, स्वयं आत्मा जाना जा सकता है ना। तो इस तरह से भाई यहाँ वर्ण करने वाला और जिसका वर्ण करे कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, प्राप्तव्य और प्रापयिता, प्राप्तिकर्ता, दोनों एक ही है। तो स्वरूप का वर्ण करके अभेद अनुसंधान करेगा तभी प्राप्त कर सकता है। टीका में देख लीजिए, परमेश्वराचार्यानुग्रहेण तु लभ्यते। बोलिए। नहीं नहीं, प्रार्थना मतलब यही चाहेगा कि मैं अपने स्वरूप को ही जानूं, ये प्रार्थना। प्रार्थना मतलब कि एक कामन आत्मा की आत्म की। हाँ जी, दैन्य वाला वो वाली प्रार्थना नहीं कर रहे कि कोई ये दे दो वो दे दो, ये मैं अपना आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए, ये प्रार्थना है। आत्मा को ही चाहे, प्रार्थना मतलब चाहना मांगना, तो आत्मा को ही चाहे। आत्मकामी, जो आत्मकामी बन गया, ऐसे वर्ण करने वाले के द्वारा ही आत्मा जाना जा सकता है। देखिए दे रहे आगे टीका में, परमेश्वराचार्यानुग्रहेण तु लभ्यते इत्या। परमेश्वर और आचार्य के जब अनुग्रह हो जाए और साधक ने आत्मा का वर्ण कर लिया है तब तो प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह दिए कि यमेव स्वयं आत्मानम इस साधको वृणुते, जिस अपने स्वरूप को ही साधक वर्ण कर लेता है। देखो इसका अर्थ दे रहे टीका, स्वात्मानम एव साधक श्रवण मननादि भी वृणुते संभजते। जो साधक है श्रवण मनन आदि के द्वारा अपने स्वरूप का ही संभजन करता है, सेवन करता है, सदा चिंतन करता है तत्पर होकर के। और कैसे चिंतन, वह देवता अलग है मैं अलग हूँ ऐसा नहीं, वह मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वह हूँ। इसलिए श्रवणादि काले भी सोहम इति अभेदे नैव अनुसंधत्त इत्यर्थ। श्रवणादि काल में भी वही मैं हूँ इस तरह से अभेद रूप से जो अनुसंधान करता है, विचार करता है, वही जान सकता है। भाष्य में आगे देखिए, एवं निष्कामस्य आत्मानमेव प्रार्थयत। अच्छा, तेनैव भी आ गया था, तेनैव आत्मना वरित्रा, उसका टीका में आगे दे रहे। तेनैव मतलब लक्षणया परमात्मानुग्रहेणैव वरित्रा। वास्तव में तो लक्षणा के द्वारा परमात्मानुग्रह से ही वरित्रा, जो वरण करने वाला है, तो अभेदानुसंधान वता। देखो यहाँ लक्षणा ले रहे हैं, उसी के द्वारा मतलब उस आत्मा के द्वारा, मतलब उस परमात्मा के अनुग्रह से ही। वास्तव में दोनों में भेद तो नहीं आत्मा परमात्मा में, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भेद मानते हैं। तो आत्मा का वर्ण कर लिया तो वही आत्मा जो परमात्मा रूप से व्यवस्थित है उसके अनुग्रह से। देखो किसका वर्ण किया, अपनी आत्मा का ही, लेकिन वह वही आत्मा परमात्मा है, व्यावहारिक भेद है। तो उस परमात्मा के अनुग्रह से जिस आत्मा का वर्ण किया है तो हमारा ही स्वरूप है, लेकिन व्यावहारिक भेद को लेकर के वह परमात्मा अलग जो मालूम पड़ता है। तो उनके अनुग्रह से ये अनुग्रहण है, वह वरित्रा, वरित्रा जो मतलब वर्ण करने वाला, अभेदानुसंधानवता, जो अभेद अनुसंधान करने वाला है। यथा अनुसंधानम आत्मतएव परमात्मा लभ्यो भवत। जिस प्रकार से अनुसंधान कर रहा है उसी अभेद रूप से अनुसंधान कर रहा है तो आत्मतया एव परमात्मा लभ्यो भवती। आत्मा का अनुकरण किया, वर्ण किया, परमात्मा का अनुवरण कर लिया, और कैसे अनुसंधान कर रहा है, अभेद रूप से, वही मैं। तभेद अनुसंधान करते हुए उसके द्वारा परमात्मा लभ्यो भवति, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्तव्य, प्राप्ति, प्राप्त होने के योग्य हो जानी, प्राप्त हो जाते हैं। अथवा विपरीत है, वैपरीत्य न वायोजना, अथवा विपरीत रूप से अन्वय करके अर्थ कर सकते हैं।
कैसे विपरीत रूप से अन्वय करे, स्वयं टीकाकार दिखा रहे, आत्मा त्वेष प्रकरणी। यहाँ इस प्रकरण में किसकी चर्चा चल रही, आत्मा की। आत्मा हो गया प्रकरणी, जैसे जिसके पास धन हो तो उसे कहेंगे धनी, और जिसका प्रकरण चल रहा है वो हो गया प्रकरणी। आत्मा प्रकरण वाला है, आत्मा का प्रकरण चल रहा है, तो जो प्रकरणी जिसकी प्रकरण जिसका प्रकरण चल रहा है वो आत्मा परमात्मा अंतर्यामी रूपेण, आत्मा यानी परमात्मा, वही अंतर्यामी रूपेण आचार्य रूपेण व व्यवस्थित है। अंतर्यामी रूप से सभी के भीतर रह करके नियमन कर रहे हैं, अथवा आचार्य रूप से वही व्यवस्थित है, क्योंकि एक ही आत्मा। हम लोग हमें प्रतिदिन पाठ करते हैं, पाठ के आदि में भी ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तयेन। ईश्वरो गुरु आत्मा, ये मूर्ति भेद से भिन्न भिन्न, वास्तव में एक ही है। मूर्ति भेद से उपाधि को लेकर के अलग अलग मालूम पड़ रहे, वास्तव में एक ही है। तो आत्मा यानी परमात्मा, जो कि अंतर्यामी रूप से सभी शरीरों में उपस्थित है और वही आचार्य रूप से व्यवस्थित है। तो उस आत्मा को यमेव मुमुक्षुम, यमेव वही आत्मा, वही परमात्मा जो कि आचार्य रूप से अथवा अंतर्यामी रूप से ईश्वर रूप से व्यवस्थित है, वही यमेव मुमुक्षुम वृणुते, जिस मुमुक्षु का वरण कर लेते हैं। देखो पहले क्या अन्वय लगाए थे, यह मुमुक्षु परमात्मा का वरण कर लेता है और अभेद अनुसंधान करते हैं तो आत्मा को परमात्मा को जान लेंगे। अब क्या अर्थ कर रहे हैं, जो परमात्मा जिसका प्रकरण चल रहा है, जो कि ईश्वर रूप से अथवा गुरु रूप से उपस्थित है, गुरु रूप से व्यवस्थित है, वह जिस मुमुक्षु का वरण कर लेते। पहले था मुमुक्षु ईश्वर का वरण कर लिए, अब कह रहे ईश्वर मुमुक्षु का वरण कर लेते, उसकी जिज्ञासा को देख करके वरण कर लेते। तो वो जिस तो जो ईश्वर रूप से व्यवस्थित है आत्मा परमात्मा, जिस मुमुक्षु का वरण कर लेते, वृणुते भजते अनुग्रहणाति, जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, तेनैव परमात्मा अनुग्रहीतेन अभेदानुसंधानवता, तैसा जो परमात्मा के अनुग्रह से युक्त है, अभेद अनुसंधान करने वाला मुमुक्षु है, उसके द्वारा ही वह उस आत्मा की प्राप्ति होती है, अन्य किसी से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह से दोनों प्रकार से, तो कुल मिला के जिज्ञासा तो जीव करेगा तभी हो पाएगा, चाहे कोई भी अर्थ लीजिए, जिज्ञासा रहेगी तभी जो है दोनों ही अर्थ है, जिज्ञासा से ही दोनों अर्थ है। तो आगे देखिए भाष्य में दो तीन पंक्ति रह गई। भगवान का या आचार का वजन तो सभी करते हैं कि हमको मिल जाए, लेकिन सबको तो मिलते हैं, वो अनुग्रह करें तो ठीक ठाक है। नहीं, वो अनुग्रह करेंगे ना, मुमुक्षु के अंदर अगर ऐसा ये बात रहे, अगर उस तरह की स्थिति है तो अनुग्रह क्यों नहीं करेंगे। क्या बड़े बड़े भक्तों के ऊपर अनुग्रह नहीं किए हैं, तो बस वही हाँ, वो तो वही बात है ना, अनुग्रह तो दोनों तरफ से अनुग्रह रहेगा तभी तो होता है। ईश्वर भी अनुग्रह कर रहे हैं, मुमुक्षु भी उस प्रकार के उस स्थिति वाले हैं, तभी लाभ प्राप्तव्य है। आश्रय में देखिए। हाँ जी राजू भाई बोलिए। मुझे क्या लगता है ना, इसके साथ सुनने के बाद भी यही मतलब, अगर वो नहीं हो और एक्सेप्ट कर दो, मतलब हमारे लिए खोट है कहीं पर, मतलब हमको संसार ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, या सही है? वो तो आप क्या अनुभव क्या है वो देखिए, है ना भाई, जो जो उनके अभी जो है कुछ है, संसार में कुछ आसक्ति रह गई है, ऐसा मान सकते हैं मतलब। और दूसरी बात क्या है कि और व्यवहार में रह रहे तो कुछ तो व्यक्ति का ही रहता है कि भाई व्यवहार भी थोड़ा ठीक रहे और परमार्थ भी बने, ऐसा भी रहता है ना। तो अब वो जैसी स्थिति, बस वही थोड़ा उसमें यह है ना, सत्यत्व बुद्धि है ना संसार में, वो पूरी तरह से जा नहीं पाई है, सत्य तो बुद्धि रहने से
वो व्यवहार में ही ज्यादा लग जाता है। ये तो श्रेय प्रेय विवेचन में आ चुका है, श्रेय प्रेय विवेचन जो द्वितीय वल्ली में शुरू में ही ये बात आई है। भाष्य में देखिए, हाँ जी बोलिए। ऐसा मैंने सुना है स्वामी अखंडानंद महाराज जी कहते हैं कि जिसके व्यवहार शुद्ध नहीं होगी उसकी पत्थर शुद्ध भी नहीं होगी। हाँ, व्यवहार में भी थोड़ा फूक फूक के कदम रखेगा, सही सही से चलेगा, व्यवहार से ही परमार्थ बनेगा। व्यवहार में ही सीधे कोई ये पेट से निकलते ही तो ऐसा हो नहीं जाएगा ना। व्यवहार में ही सावधानी से रहना पड़ेगा, तभी जो है परमार्थ बनेगा। देखिए, एवं निष्कामस्य आत्मानमेव प्रार्थयत। इस तरह से जो निष्काम पुरुष है, आत्मा को ही चाहने वाला है। देखो, प्रार्थना प्रार्थना तो आत्मा को ही चाहने वाला है। आत्मनैव आत्मा लभ्यते, तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होने योग्य है। वही आत्मा ईश्वर रूप से वरण कर लिया, ईश्वर रूप से वही अनुग्रह कर रहे, आचार्य रूप से वही अनुग्रह कर रहे, तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा लभ्य है। कथम लभ्य, कैसे भी प्राप्त कर लेंगे। इति उच्यते, तस्य आत्म काम से एष आत्मा, जो आत्मा को चाहने वाला है उसकी ये जो आत्मा है, विवृणुते यानी प्रकाशयति, प्रकाशन कर देंगे अपने स्वरूप। पारमार्थिकीं तनुम स्वाम स्वकीयम, अपनी जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको, यानी स्वयाथात्म्यम इत्यर्थ, अपना जो यथार्थ स्वरूप है, याथात्म्य है, उसको वह प्रकाशन कर देगा। तस्य आत्मकामस्य, आत्मकाम के लिए शुरू में दे दिए, तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा, आत्मा को चाहने वाले के लिए आत्मा अपने स्वरूप को, अपने याथात्म्य को प्रकट कर देगी। मतलब व्यक्ति इतना जिज्ञासु है तो साधना करेगा तो आत्मस्वरूप प्रकट ही हो जाएगा। और ऐसे ही आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और आत्मा बाहर ढूंढ रहे हो तब तो नहीं पा सकते। इसलिए अभेदानुसंधान भी यहाँ बताया गया। तो ये मुख्य साधन है। नहीं, तनु शब्द जो है दोनों हर्ष भी है और दीर्घ भी है। एक मिनट देखता हूँ, छांदस प्रयोग हो सकता है अथवा, एक मिनट कोष में देख लेता हूँ। तो तनु मतलब स्वाम स्वकीयम, अपना जो स्वरूप है याथात्म्य है उसको प्रकट कर देंगे। आगे देखिए, किंच अन्यत, और इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें बता रहे हैं कि ये होना जरूरी है, इसके बिना नहीं जान पाएंगे। 24वां मंत्र, सीधे मंत्र ही देखिए, किंच अन्यत, ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नयनम आप्नुयात। ना वीरतो दुश्चरिता, दुश्चरित यानी कायिक पाप। देखो टिप्पणी में सीधे, टीका में सीधे यही एक ही पंक्ति दिए, दुश्चरितम यानी कायिकम पापम, शरीर से होने वाला पाप, शरीर से, वाणी से और मन से। तो शरीर से होने वाला पाप है चोरी, हिंसा, व्यभिचार। तो जो व्यक्ति दुश्चरित से हटा नहीं है, देखो हर एक वाक्य का अन्वय करना इस तरह से, दुश्चरितात् अविरतो प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्। दूसरा वाक्य बनाना, अशांतः एनम प्रज्ञानेन न आप्नुयात्, असमाहितः एनम प्रज्ञानेन न आप्नुयात्, अशांत मानसो वापी प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्। इस तरह से ये चार वाक्य बन जाएंगे। तो जो दुश्चरित यानी शारीरिक पाप से नहीं हटा है, चोरी हिंसा व्यभिचार में लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, वो संसार को ही सत्य मान रहा है, संसार के विषय की प्राप्ति में लगा है। आदमी जब विषयों की कामना ज्यादा हो तो निषिद्ध कर्म करने से भी नहीं चूकता। संसार में जो है कई लोग दूसरे का गला भी काट देते हैं, दूसरे की संपत्ति हरण कर लेते हैं, अन्य जो है और भी बहुत चीजें हरण कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मैं जो है सुखी हो जाऊं। वो वैसे एक सुखों के पीछे पागल हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा जो है
इन चीजों का विचार नहीं करता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो दुश्चरित से हटा हुआ नहीं है आत्मा को कहाँ से जान पाएगा, वो तो विषयों के पीछे ही वैषयिक सुख को ही सब कुछ मान रखा है। इसलिए जो दुश्चरित से नहीं हटा है आत्म प्रज्ञान प्रज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं तो कहाँ से उसके द्वारा प्राप्त करेंगे। चलो दुश्चरित से तो हट गया यानी शारीरिक पाप नहीं कर रहा है, तो भी उसका मन जो है बहुत विषयों में जा रहा है, अशांत है मन। पहले इंद्रियों को लेना, अगले असमाहित में मन को लेना, इंद्रिया उसकी बहुत अशांत है, इंद्रिया जो है लालायित हो रही है, विषय मिले हो विषय मिले। शारीरिक पाप से तो हटा, कई लोग है शारीरिक पाप ये सब नहीं करते लेकिन वो बहुत विषय लोलुप देखे जाते हैं, ईमानदारी से तो रहते हैं लेकिन विषय लोलुपता उनमें भरी हुई है। तो ऐसे जो इंद्री लोलुप जिनकी इंद्रिया बहुत चंचल है वह व्यक्ति भी प्रज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। ये दूसरी श्रेणी में आ गया। अब तीसरी श्रेणी में आ जाइए। चलो शारीरिक पाप नहीं करता, इंद्रिया भी हट गई है लेकिन मन जो है उसका समाहित नहीं है, मन समाहित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रज्ञाने नेनम न आपुयात, प्रज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता में इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, जो इंद्रियों को तो संयम करके, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, मनसा स्मरण, कर्म इंद्रियों को संयम करके मन से स्मरण कर रहा है, बोले ऐसे लोग तो मिथ्याचारी दम्भी आडंबर करने वाले। इसलिए जो असमाहित है वह अभी प्रज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म को आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं। अब चौथी श्रेणी में आ जाइए। शारीरिक पाप से हट गया, इंद्रिया भी चंचल नहीं है, मन भी समाहित है लेकिन उसके अंदर संस्कार ये है कि अगर भगवान प्रकट होंगे तो मैं ये मांग लूंगा, तपस्या कर रहा है, शांत मन वाला, मतलब मन में है रखा हुआ है, अभी तो तपस्या काल में बहुत शांत है लेकिन वो संस्कार उसके अंदर है, जैसे भगवान आएंगे तुरंत ही मांग लेंगे, हे भगवान मुझे मैं राजा बन जाऊं, शांत मन वाला, फल कामना है उसके अंदर सूक्ष्म रूप से है, शांत मन वाला वह भी प्रज्ञान के द्वारा आत्मा को नहीं पा सकता। ये सब दे रही है भाष्य में, देखिए न दुश्चरितात् प्रसिद्धात् प्रतिसिद्धात् श्रुति स्मृत्य विहितात् पाप कर्म। श्रुति स्मृति में जिसका विधान नहीं है, है ना, तो ऐसे जो पाप कर्म है उनसे अविरत अनुपरत जो हटा नहीं है वह नहीं जान सकता। नापी इंद्रिय, देखो अशांत, अशांत मतलब इंद्रिय की चंचलता, जो अशांत है इंद्रिया जिसकी बहुत चंचल है, नापी इंद्रिय लौल्याद अशांतो, इंद्रियों की जो लौल्य है चंचलता है उससे अशांत है अनुपरता वह भी नहीं जान सकता। नापी असमाहित, चलो इंद्रिया तो शांत है लेकिन मन समाहित नहीं, अनेकाग्र मन, एकाग्र मन वाला नहीं है। विक्षिप्तम विक्षिप्त चित्तम, विक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त वाला है, विषयों में विशेष रूप से फेंका हुआ है तो भी नहीं पा सकता। और चलो ठीक है चित्त समाहित है, समाहित चित्तों भी समाधान फलार्थित्वात्, चित्त समाहित है किंतु समाधान का फल चाहता है, मैं देखो इतना साधना कर रहा हूँ तो मुझे तो भाई मिलना चाहिए, इतनी साधना कर रहा हूँ तो कुछ तो भगवान देंगे मुझे, इन सभी से बड़ा बना देंगे। इस तरह से समाधान के फल की जो चाहने वाला, जैसे असुर लोग होते हैं, असुरों के विषय में आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि लाखों वर्ष तक तपस्या की लेकिन आखिरी में वही का वही, ये मिल जाए वो मिल जाए, मैं अमर हो जाओ, मैं देवताओं को हरा दूं, तो समाधान का फल चाहते हैं, समाहित चित्त होने पर भी समाधान फल को जो चाहने वाला है
देखो चार नंबर टिप्पणी में दे दिया, समाधान फल इति ख्याति सिद्ध्यादि रूपम समाधान फल। मैं बड़ा विख्यात हो जाऊँ, मुझे सिद्धि मिल जाए, ये सब चाहने वाला भी नहीं जान सकता। तो समाधान फले फलार्थित्वा, समाधान का फल जो है चाहने वाला होने से, ख्याति आदि चाहने वाले होने से भी वह नहीं जान सकता। ना भी अशांत मानसो, मतलब व्यापृत चित्त, वही तो फलार्थित्वा ना भी अशांत मानसो व्यापृत चित्त। तो समाधान फल चाहने वाला जो अशांत मन वाला है, व्यापृत चित्त वाला है, वह भी नहीं जान सकते। ये चौथी श्रेणी। तो ये सभी के सभी प्रज्ञाने न, मतलब ब्रह्म विज्ञाने न एनम प्रकृतम आत्मानम न आत्मीय, अपना तो सभी में पहले से ही जुड़ा हुआ है, नहीं जान सकते। तो कौन जान पाएगा कुल मिला करके, तो सब एक वाक्य में दे रहे हैं, यस्तु दुश्चरितात् विरतः, जो दुश्चरित यानी शारीरिक पाप से हटा हुआ है, इंद्रिय लौल्याच्च इंद्रियों की चंचलता से भी हटा है, समाहित चित्त, समाहित चित्त वाला है, समाधान फलादपि उपशांत मानस, समाधि का जो फल है ख्याति आदि उनसे भी शांत मन वाला है, ऐसा जो आचार्यवान ब्रह्मज्ञानी गुरु वाला जो शिष्य है, तो वह प्रज्ञाने न, प्रज्ञाने नहीं ब्रह्मज्ञान के द्वारा, हाँ आत्मा यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति, यथोक्त आत्मा का वो पा लेते, अनुभव कर लेते, मुक्त हो जाते। आगे का विचार कल होगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।